दोस्तों बड़ी खबर और बुरी खबर निकल के आ रही है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की T20 मैच की सीरीज को लेके। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज का पहला मैच जो कि कल यानी कि 11 जनवरी 2024 को खेला जाएगा शाम को 7 बजे IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में। खबर ये निकल के आ रही है कि मौसम की खराबी के कारण हो सकता है कि पहला T20 मैच रद्द कर दिया जाए। तेज हवाएं और मौसम बिल्कुल साफ नहीं है जिस कारण से ऐसा लगता है कि पहला T20 मैच रद्द हो जाएगा। बता दूं मैं आपको कि शाम को 5 बजे के बाद मोहाली और आसपास के एरिए में विजिबिलिटी 100 मीटर की भी नहीं रहती है, यानी कि शाम के 5 बजे के बाद से ही सामने क्या है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठंडी का जो आलम है वो तो काफी भयंकर है ही, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो इस वजह से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पहला T20 मैच रद्द किया जा सकता है। फिलहाल अफगानिस्तान टीम पहुंच चुकी है मोहाली में और वहां पे इन्होंने प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद भी मौसम का जो हाल है वो बिल्कुल बेहाल है। खासकर शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल भी खेलने लायक कंडीशन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जब विजिबिलिटी ही नहीं रहेगी और कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो क्या खेल हो पाएगा। तो ऐसी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि पहला T20 मैच रद्द हो सकता है। अगर मैच रद्द होता है तो टिकटों का क्या होगा, जो टिकटें सेल हो चुकी हैं उन टिकटों का क्या होगा, क्योंकि मैच तो हुआ नहीं इसलिए रिफंड तो बिल्कुल बनता है, लेकिन जो पॉलिसी कहती है उस हिसाब से रिफंड तो होता नहीं है। बाकी आने वाले कुछ घंटों में ये क्लियर हो जाएगा कि मैच होना है कि नहीं होना है, क्योंकि जो आसार नजर आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैच रद्द हो सकता है। फिलहाल जो भी नई अपडेट आएगी टिकट को लेकर या फिर जो भी नई अपडेट आएगी वो मैं आपके सामने ला के देने की जरूर कोशिश करूंगा।